नोटबंदी के बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए लोगों को झटका लगा है। आज आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा की, जिसमें रेपो रेट समेत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दरअसल पहली मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने रेपो रेट में किसी भी कटौती से साफ इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि बाजार को उम्मीद थी कि नोटबंदी के दबाव से बाहर निकलने के लिए रिजर्व बैंक कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है, लेकिन बाजार को मायूस करते हुए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.25% पर बरकरार रखा है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक देश के अन्य बैंकों को जिस ब्याज दर पर कर्ज देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ब्याज दरों में किसी भी तरह की राहत नहीं होने की वजह से अब ईएमआई जस की तस बनी रहेगी। इसके साथ ही माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद बढ़े हुए कैश से देश के बैंक अपना कारोबार बढ़ाने की कवायद करेंगे, लेकिन अब वह पुरानी दरों पर ही कर्ज देने के लिए मजबूर हैं। बैंकों के लिए यह रेट अपने ग्राहकों को लोन का ब्याज तय करने के काम आता है। बहरहाल इससे पहले अक्टूबर में गवर्नर उर्जित पटेल ने अपने कार्यकाल की पहली समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। हालांकि बैंकों को राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ने 100% CRR को वापस ले लिया है। बैंकों पर अब CRR का कोई बोझ नहीं होगा। नोटबंदी से पहले 7.6% विकास दर का अनुमान था, जिसे RBI ने घटाकर अब 7.1% कर दिया है। वहीं ब्याज दरों में कटौती की आस लगाए बैठे लोगों को राहत नहीं मिली है। अब उन्हें अगली मौद्रिक नीति समीक्षा का इंतजार करना होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।